और अब बात एक अनार सौ बीमार, आजम खां के कितने दया। ये सवाल इसलिए खड़ा हो गया है कि आजम खां के चाहने वालों का जमावड़ा लग गया है। आजम खां को शिवपाल यादव चाहते हैं तो हैदराबाद वाले ओवैसी भी चाहते हैं, राजभर भी चाहते हैं, जयंत चौधरी भी चाहते हैं, जबकि कांग्रेस तो इन सबसे आगे है जिसने आजम को अपनी पार्टी में न्योता देने के लिए पोस्टर तक लगवा दिए और आजम खां को ऑफर देते हुए साफ साफ लिख दिया कि आजम खां आए आपका स्वागत है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आजम जेल से बाहर आएंगे तो कहां जाएंगे, क्योंकि शिवपाल यादव के खिलाफ आजम ने बगावत का झंडा बुलंद कर दिया है और उनके समर्थन में इस्तीफों की झड़ी भी लग गई है। आजम खान को कांग्रेस का ऑफर, प्रयागराज में पोस्टर वायरल। अखिलेश यादव से अदावत, आजम बढ़ाएंगे आफत। आजम खान की डिमांड हाई, जारी रहेगी लड़ाई। जब से आजम खान ने समाजवादी पार्टी से बगावत शुरू की तब से सूबे की सियासत में उनकी डिमांड बढ़ गई। समाजवादी पार्टी के विरोधी आजम खान को अपने पाले में लाने के लिए नजरें टिकाए बैठे हैं और उसकी गवाही दे रहा प्रयागराज में लगा ये पोस्टर जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गया। इस पोस्टर में आजम खान को कांग्रेस में शामिल होने का खुला ऑफर दिया गया। पोस्टर पर बड़े बड़े शब्दों में लिखा गया, आजम खान आइए कांग्रेस में आपका स्वागत। इस पोस्टर में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की भी तस्वीर है, साथ में आचार्य प्रमोद कृष्णम भी नजर आ रहे हैं जो हाल ही में आजम खान से मिलने सीतापुर जेल गए थे और तब से ही ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आजम खान कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। और अब इस पोस्टर ने सूबे की सियासत को गर्मा दिया है क्योंकि कांग्रेस ने आजम खान को खुला ऑफर दे दिया है। देखिए, आजम खान के साथ जो भी समाजवादी ने जो भी इनके साथ जो हो रहा है, जिस तरीके से इनके साथ उपेक्षा हो रही है और इनके साथ जो है जो भी सौतेला व्यवहार हो रहा है, समाजवादी ने इनके साथ हमेशा इनके साथ अच्छा नहीं किया। तो उसी हमारा पोस्टर लगाने का मकसद यही था कि उनको नेता भेजने कि आइए समाजवादी को इस्तीफा दे के कांग्रेस में आइए और जो आपका सम्मान जो कद है वो कांग्रेस में आपको मिलेगा और हमेशा मुसलमान कांग्रेस में ही अपने आप को सुरक्षित महसूस किया है। आपको बता दें कि ये पोस्टर कांग्रेस नेता इरशाद उल्लाह ने लगवाए हैं जो पहले भी पार्टी लाइन से हटकर कई बार पोस्टर लगा चुके हैं, जिनके खिलाफ कई बार अनुशासनात्मक कार्रवाई भी हो चुकी है। लेकिन आजम खान के पोस्टर पर अब तक कांग्रेस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, तो क्या मान लिया जाए कि कांग्रेस भी आजम खान के लिए पलके बिछाए बैठी है। हालांकि आजम खान को ऑफर देने वाली कांग्रेस अकेली नहीं है। कांग्रेस से पहले ओएसी की AIMIM भी चिट्ठी लिखकर आजम खान को अपनी पार्टी में शामिल होने का न्योता दे चुकी है। आजम खान साहब हमारे बड़े भाई हैं और असदुद्दीन ओवैसी साहब के भी बड़े भाई हैं, वो पार्टी परिवार के सदस्य हैं, तो क्या नाम है वो आएंगे तो हमारे लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात होगी और मुझे उम्मीद भी है कि वो जरूर आएंगे। वहीं आजम खान से कई नेता जेल में जाकर मुलाकात कर चुके हैं जिसमें शिवपाल यादव और आचार्य प्रमोद कृष्णम जैसे नेताओं का भी नाम शामिल है। वहीं जयंत चौधरी रामपुर जाकर आजम खान के परिवार से मिले थे। मतलब 26 महीने तक जिस आजम खान का किसी ने नाम नहीं लिया, अब सूबे की सियासत उन्हीं के इर्द गिर्द घूम रही। तो ये बात रखनी चाहिए था, तो ये तो दुर्भाग्य है, हम लोगों का दुर्भाग्य है, सभी समाजवादियों का दुर्भाग्य है, इसी की पहचान थी समाजवादी की। आजम खान साहब ने मेरी दी हुई गीता को स्वीकार किया और मैं ऐसा मानता हूँ कि बहुत जल्दी आजम खान साहब जब अदालत के आदेश पर जेल से बाहर आएंगे तब उनसे मैं दोबारा मुलाकात करने आऊंगा। साथ ही यहाँ आजम खान जी जो बहुत सीनियर नेता हैं, रिस्पेक्टेड नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं और जिनके जिस परिवार के ताल्लुकात मेरे परिवार से तीन पीढ़ी के हैं, आज मैं उनके परिजनों। और इन सबके बीच समाजवादी पार्टी में खलबली मची है क्योंकि जब से आजम खान का कुनबा अखिलेश यादव से बागी हुआ, आजम खान के समर्थन में समाजवादी पार्टी से इस्तीफा देने वालों की छड़ी लग गई और इस लिस्ट में प्रयागराज में सपा के नगर महासचिव मोहम्मद जमाल अफजल और शहर उत्तरी विधानसभा के उपाध्यक्ष हसीब का नाम शामिल हो गया।
इन दोनों ने आजम खान और मुसलमानों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए समाजवादी पार्टी छोड़ दी। मतलब आजम खान के खेमे ने अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। हालांकि अखिलेश यादव आजम खान पर सेफ गेम खेल रहे हैं, क्योंकि तमाम इस्तीफों और बयानों के बाद भी अखिलेश ने आजम खान के खिलाफ एक शब्द नहीं कहा। वो लगातार खुद को आजम खान के साथ खड़ा बता रहे हैं, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि क्या इससे अखिलेश की राह आसान होगी या फिर ये अखिलेश की गेम प्लान का ही एक हिस्सा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।